एटॉमिक प्रोसेस में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सबसे ज्यादा अहम होती है, क्योंकि असल ताकत वही है। पंचायतों के इलेक्शन आपके सामने है, उसके लिए हमें आज से तैयारी करनी है। दो तीन साल पहले ये कहा जी, हमारे बहुत सारे साथी जो थे वो आपके साथ चलते रहे, लेकिन वो कहते थे कि अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड की वजह पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, वो वजह ये थी कि उनको कहीं ना कहीं उनको ये एक लालच दी गई होती थी कि जी ये 100-150 वोट हम आपको दिलवाएंगे उसमें सरपंची के इलेक्शन में, तो आज असेंबली के इलेक्शन में ये 400 आप हमें दे दो। तो वो अपने उस 100-150 के चक्कर में अंडरग्राउंड भरे हैं, और अब आपके पास होता हुआ है कि जब वो अंडरग्राउंड है तो उनके ऊपर मिट्टी फेरनी है आपने इस इलेक्शन में, ये गलती है, ताकि वो हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। उनको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत बड़ा टाइम आ गया आपके साथ, ये बात भी मैं आपसे करना चाह रहा था। और चौथी बात कि हम इलेक्शन हार गए, इलेक्शन होने के बाद मैं अपने वर्कर्स के साथ बिल मुशाफा मुलाकात नहीं कर सका, तो उनका शुक्रिया अदा करना था। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे ये कन्वेंशन एक तरीके का वर्कर्स मीटिंग रखी गई थी, और जिसमें पूरी कंस्टिट्यूएंसी की तीनों तहसीलों के मुख्तलिफ इलाकों से वर्कर्स यहाँ पे आए, और मुझे बड़ा इत्मीनान है कि इंतहाई पुरजोश साथी यहाँ पे जमा थे। जैसे कौन सी करारदाद, मैं तो उस करारदाद को पढ़ के मैं तो सोच रहा था ये या तो क्लेवरली ड्राफ्ट की गई है या स्टूपिडली, क्योंकि उसमें तो पहले तो इन्होंने किसी ने इस करारदाद में ये भी नहीं मुतालबा किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो 370 को रेस्टोर करे, और दूसरा ये वो खाली ये बात कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात शुरू करे इस बात के ऊपर कि रेस्टोरेशन कैसे होगी। पहले तो इनको ये चाहिए था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये तो कहते कि इसको रेस्टोर किया जाना चाहिए था, तो ये कोई नई बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही है 1954 से ले कर आज तक, लोगों को इन्होंने गुमराह किया है। कभी अटॉनमी का भी तो एक रेजोल्यूशन इनका पास हुआ था और वो दिल्ली गया था, उसकी खबर इनको नहीं है, तो आज 370 का ये रेजोल्यूशन करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। इनके सीरियस इशूज़ हैं, कमिटमेंट्स हैं लोगों के साथ जो इनको मालूम है कि ये पूरी नहीं कर पाएंगे। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बड़ी फराख दिली के साथ इनके एक दो मुतालबात जैसे कि बिजली के तरसील के हवाले से उसमें अपनी तरफ से एक किया है, इनके हक में एक ऑर्डर किया है, तो इनको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये ब्लेम गेम और आपस में दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से सबकत लेने के चक्कर में ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। मैं तो ये समझता हूँ हो सकता है उमर अब्दुल्ला ने रूहुल्लाह से ये खत लिखवाया हो कि आप पब्लिक ओपिनियन इसके ऊपर बिल्डअप करो, चूँकि वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के डोमेन में है, तो वो इस रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए माहौल पैदा करने के लिए वो खत लिखवाया गया। लोगों से क्या है ये, तो मैंने जैसा कि कहा कि इनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी।